सारे दर्शकों ने दिनेश जुलानी के नाम राम मौजूद हाँ जुलाना जींद रोहतक रोड पे। और आप देख सको कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, लड्डू बांटे गए हैं और भाई चाप सिंह हमारे साथ मौजूद है, बक्ताखेड़ा गांव के सरपंच और इन्हीं के गांव की पुत्रवधू विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। आपको बता दूँ कि भाई लगभग 86 उम्मीदवार जुलाना विधानसभा से आवेदन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए, फिर विनेश फोगाट पर दाव खेलिया और के कहो गाँव के सरपंच जानकारी लो। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। गाँव की पुत्रवधू पर दाव खेल दिया कांग्रेस पार्टी ने, हाँ तो गांव का क्या माहौल है? गांव एक तरह सारा एकजुटता है, पूरा हल्का भी एकजुट है भाई साहब। मतलब जितने कैंडिडेट थे 86 कैंडिडेट थे, सबसे संपर्क हो लिया, सब इनवाइट कर रखे हैं। कल विनेश अपने गांव खेड़ा बख्ता में आ रही है जी जी, पौड़ी से उसका स्वागत करके गांव में लेके आएंगे जी जी, सभी के लिए खाने की व्यवस्था कर दी गई है, सभी इनवाइट कर दिए, सारे सरपंच इनवाइट कर दिए, सारे कैंडिडेट थे जो फार्म मतलब इच्छुक रखते थे वो सभी आएंगे। सभी आएंगे मतलब किसी प्रकार कोई विरोध नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है, सब साथ खड़े हैं। किस तरह स्वागत किया जाएगा गांव में पहुंचने पर गांव की पुत्रवधू का? गांव में 5 दिन पहले ही हमने उसका स्वागत समारोह रखा था, जो ओलंपिक में से आई थी उसके लिए था जी जी। हमें नहीं पता था कि उसको कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करेगी और कांग्रेस की टिकट भी मिल जाएगी। तो कहने मतलब तन मन धन से सभी के साथ उनके साथ उनके साथ, उनके साथ, साथ। तो मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? मतदाताओं से ये अपनी देश की बेटी है, खिलाड़ी है, अपना देश का गौरव है, हमसे हम सभी हरियाणा वासियों से अलका वासियों से सभी से एक ही अपील करते हैं कि कांग्रेस को बढ़ चढ़ के वोट दो। भाई देश को है, गांव की जो पुत्रवधू है, बेटी है पूरे देश की, जिन्होंने ओलंपिक में झंडा गाड़ दिया था, तिरंगा फहराया था, ओलंपिक पदक भी जीता था, और भी काफ़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, अभी लड्डू बांटे गए थे वो भी आप विजुअल साथ में देख पा रहे हैं, और भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, वो उनका क्या कहना है इसको लेकर।